हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन फ्रॉम मैस्कुलिन, इनके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। अब आप सोच रहे होंगे आप हमें सीधा ही पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बता रहे हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, ये तो आपने बताया नहीं, क्योंकि हम इसका यह पार्ट बना चुके हैं। ठीक है, यह इसका हमारा पार्ट टू है। हम इसमें सीखेंगे कि किन पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या होता है और उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देखें। ठीक है, या हम इसका जो पहली वीडियो का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख लेना। तो शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन फ्रॉम मैस्कुलिन क्या है? इधर हमने एक तरफ मैस्कुलिन जेंडर लिखे हैं और दूसरी तरफ लिखे हैं फेमिनाइन जेंडर, एक तरफ पुलिंग और एक तरफ उनके स्त्रीलिंग। कैसे बनते हैं? पहला शब्द जो हमारा है वो है बॉय, बॉय मतलब लड़का। ठीक है, बॉय का जो स्त्रीलिंग बनेगा वो क्या बनेगा? गर्ल, जैसे हम हिंदी में कहते हैं लड़का लड़की, इंग्लिश में क्या बनेगा? बॉय गर्ल, अंकल आंट। ठीक है, अंकल को हम चाचा ताऊ मामा फूफा जी, ठीक है, इस प्रकार का जो वर्ड हम अंकल उन सब के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और ताई चाची बुआ, ठीक है, तो इन सब के लिए हम आंट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है नेफ्यू भतीजा नीस भतीजी। ठीक है, नेफ्यू नीस, हस्बैंड वाइफ पति पत्नी, मेल फीमेल, मास्टर मिस्ट्रेस, सर मैडम। ठीक है, इस प्रकार जो हमारे ये मैस्कुलिन टू फेमिनाइन। नेक्स्ट जो है हमारे यहाँ पे देख लेते हैं हम, जो हमने ये वर्ड छांटे हैं ये आपके लेवल से जैसे जो आपकी एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हमने वो कुछ वर्ड यहाँ पे छांटे हैं, लिखे हैं, जो आपको मतलब हेल्प करेंगे आपके होमवर्क के अंदर। तो जैसे पहला शब्द है सन, दूसरा इसका जो हमारा मेन जो मकसद है कि वो कि जो ये शब्द हैं इनकी हमें मालूम होना चाहिए कि इनको हम पुल्लिंग में क्या बोलते हैं और स्त्रीलिंग में उनको क्या बोलते हैं। मुख्य वर्ड छांटे हैं हमने, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता रहे हैं ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी इंक्रीज हो। ठीक है, तो अगला जो शब्द है हमारा सन डॉटर, फादर मदर, पिता माता, ब्रदर सिस्टर भाई बहन, मैन वुमेन, किंग क्वीन, हीरो हीरोइन, लॉर्ड लेडी, बुल काउ, बुल मतलब बैल। उसके बाद कुछ मैस्कुलिन जेंडर ऐसे होते हैं उनके पीछे अगर हम ई डबल एस लगा देते हैं तो उनका फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। कैसे हैं? एक्टर, जो एक्टिंग करता है, अभिनय करता है, फिल्मों में सुना ना आपने कि वो एक्टर है ना, तो एक्टर, और जो फिल्मों में लेडीज काम करती हैं उनको बोलते हैं एक्ट्रेस। ठीक है, एक्टर के पीछे हमने सिर्फ क्या लगाना है? ई डबल एस, तो उसका फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। पोइट कवि, पोइटेस कवित्री, प्रिंस राजकुमार, और प्रिंस के पीछे हम लगा देंगे ई तो है पहले ही, डबल एस लगा देंगे तो प्रिंसेस राजकुमारी, लॉयन लॉयनेस, एम्परर एम्प्रेस, हंटर शिकार शिकारी हंट्रेस, डायरेक्टर डायरेक्ट्रेस, टेलर टेलरेस, और उसके बाद है जाइंट जाइंटेस। तो इस प्रकार जो ये शब्द हैं इनके पीछे जब हम ईएस लगाते हैं तो क्या बन जाता है? उनका स्त्रीलिंग। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पीछे हमें प्रत्यय लगाकर उनको स्त्रीलिंग में यानी के फेमिनाइन जेंडर के अंदर चेंज कर देते हैं। प्रत्यय को बोलते हैं हम सफिक्स, जैसे लैंडलॉर्ड,
इसका अगर हम स्त्रीलिंग बनाए फेमिनाइन जेंडर बनाए तो हमें करना पड़ेगा सिर्फ लॉर्ड का चेंज करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा इसका, लैंड लेडी। आगे है जैसे मिल्कमैन, दूध बेचने वाला, मिल्क मेड, दूध बेचने वाली। तो इस प्रकार हम जो इनके पीछे प्रत्यय लगाकर उनको चेंज कर देते हैं। एक शब्द हमारा जैसे पीकॉक, तो इसका क्या बन जाता है, पी हेन। इसके बाद कुछ पुल्लिंग ऐसे होते हैं जिनके पीछे जिनके हम आगे उपसर्ग, ठीक है, प्रीफिक्स आगे लगाने से उनके मेल टू फीमेल यानी के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। कैसे, जैसे कॉक स्पैरो, हेन स्पैरो। अब यहां पर स्पैरो सेम है लेकिन हमने इसके आगे का जो कॉक था उसका उसको ही हमने बदल डाला तो इसका स्त्रीलिंग बन जाता है। ही गोट, शी गोट, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, इसको वुमेन सर्वेंट भी कह सकते हैं हम। बुल कॉफ या काउ कॉफ, इनके बछड़ा और बछड़ी। उसके बाद जैसे ही बियर, सी बियर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कॉमन जो वर्ड्स थे, नाउन थे ये, तो हम इसको चेंज कर देते हैं किसके अंदर, फेमिनाइन जेंडर के अंदर। उसके अंदर कुछ चेंज आता है, कई शब्द तो जो ऐसे जैसे प्रीफिक्स लगाने से इसको चेंज करते हैं, कई शब्द जो सफिक्स लगाने से चेंज होते हैं, कई शब्द जो ई डबल एस लगाने से चेंज हो जाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें उसका जो अलग ही वर्ड निकलता है, जैसे सन डॉटर, दोनों में कोई मतलब स्पेलिंग सेम नहीं है, अलग अलग वर्ड है। तो इस प्रकार जो ये शब्द है हमारे आज के जो जेंडर यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन फ्रॉम मैस्कुलिन, पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाना, आज का जो हमारा वीडियो था इतना ही था। कल हम आपको ग्रामर का जो एक नया टॉपिक है उसके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।